मैं डर के तारे बा कामयाब इंसान जरूर बन सकता। शुक्रिया, मैं चलती हूँ। बोले हैं।
अभी थोड़ी देर पहले की आपकी तकरीर अंग्रेजी जबान की थी।
अस्सलाम वालेकुम खाला जान। क्या हो रहा है खाला जान को? अब क्या क्या असलम मियां ने क्या खाला जान, सिर्फ अंग्रेजी सीखने से क्या बड़ा आदमी थोड़ा बन सकते हैं? बड़ा आदमी बनने के लिए अच्छा अखलाक की जरूरत होती है, जो कि हमने सिर्फ नकली जवान से हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है खाला जान, उर्दू जबान में बिल्कुल सही बात है खाला जान। आप हम लोगों को ही देख लीजिए, हमारे अब्दुल मैन में बड़े और दो परफॉर्मेंस, हमारे अब्दुल बड़े और दो परफॉर्मेंस है, और मेरे अम्मी जान प्रोफेसर, मैं डॉक्टर, और यह मेरी बड़ी बहन प्रोफेसर है। यह उर्दू तालीम हासिल करने का नतीजा है। अरे मन साहब, मैं कब से ढूंढ रही हूँ दूर को, और तुम्हें आके बैठी हो। क्या बताऊँ मन साहब, आज मैं बहुत परेशान हो गया। आज मुझे कुछ पैसे की जरूरत थी, तो पैसे वाले में सिर्फ कर गई थी। मेरे को कहाँ आता पढ़ना लिखना, ये सास का एक छोकरे को पकड़ा गाँव के बाबू, या मस्जिद से पैसे करते जरा। रैहाना फरहाना, कौन है रैहाना फरहाना? पीन मशीन कट मशीन में डाल या कह कर चला गया कि बाबू, या कह कर चला गया कि लाल बटन चालू होगा तो पीन डाल देना। क्यों हुआ, पीन डाल दी मशीन में? हाँ, मैं अपने सर के जो पीन सारी के लगे पीन सब डाल दिया। सारे कैसी होती थी, कितने सारे पीन निकल कर भी नौकरी होगी। आए ना, मेरे को क्या मालूम मैम साहब कैसे होता है, मैं तो यहाँ पिन डालती रही। अब मैं इस घर पर मैं क्या करूँगी देखूंगी। हाँ, मैं अपने छोरी को बहुत पढ़ाऊंगी, और देखना एक दिन वो बहुत बड़ी डॉक्टर प्रोफेसर। डॉक्टर जदा के खानदान में 2 लाख शोहरत इज्जत सब कुछ है, लेकिन गुरु माता का गुणनाम कोई नहीं। यही इस बात के सबूत है कि उनकी परवरिश की हाथों पे हुई है। मैं देख भी रही हूँ और समझ भी रही हूँ। आज से मैंने तय कर लिया है कि मेरा असलम बड़ा आदमी बने या ना बने, उसे मादरी जबानी में तालीम दिलाऊंगी, जरूर बनाऊंगी। तमाम जबानों की अहमियत अपनी जगह सही है, लेकिन जो अहमियत और खासियत मादरी जुबान में होती है वो और किसी जबान में नहीं होती। बच्चे पैदाइश से लेकर मजहबों की मंजिलों तक तमाम बातें मादरी जबान ही में सुनता है, और यही मादरी जबान उसे जवाहर जबानों में जबानों से तारुफ करवाने में महारी साबित होती है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।